for joining us on the broadcast, sharing all those details. Viewers, we're shifting our focus to further news and updates that we're now tracking from Kolkata. Junior doctors of RJ Carr Medical College and Hospital have now written a letter to the Chief Secretary of West Bengal. They've stated that even though the government had accepted their demands, no order has been passed in regard to some of the important demands that had been agreed upon by both parties. Of course, the latest that we're tracking for all our viewers. Of course, there was a stalemate between the doctors and the Mamata Banerjee-led government for quite a while. Over the last couple of weeks, it took several rounds of meeting in order to resolve this, and there was an agreement that was reached upon. But now, of course, junior doctors of RJ Carr Medical College and Hospital have written to the Chief Secretary of West Bengal stating that while their demands were accepted, no order has been passed in regards to fulfilling these demands. My colleague Renik Datta with us on the broadcast to share more details regarding this. Renik, what exactly do the junior doctors have to say? देखिए जूनियर डॉक्टर फ्रंट के तरफ से आज जो मेल किया गया है चीफ सेक्रेटरी को, उसमें 19 सितंबर में जो मीटिंग हुआ था चीफ सेक्रेटरी के साथ जूनियर डॉक्टर फ्रंट का, उधर जो डायरेक्टिव गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था वो साफ डायरेक्टिव को मेंशन करते हुए ये जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से ये मेल किया गया है, जिसमें जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि 19 तारीख जब मीटिंग हुआ था उसी टाइम पर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया था कि 7 दिन के अंदर पूरा इंप्लीमेंट किया जाएगा, मगर अभी तक जो जूनियर डॉक्टर्स काम पे लौटे हैं उनको उनका नजर में कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं आया है, और उसको लेकर ही एक रिमाइंडर मेल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से भेजा गया है चीफ सेक्रेटरी को, और चीफ सेक्रेटरी के साथ उन लोग फिर से मुलाकात करके मीटिंग करना चाहेंगे, क्योंकि जो 7 पॉइंट जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से रखा गया है कि सेंट्रल इंक्वायरी कमेटी डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए यह तैयार करना पड़ेगा, इसके साथ साथ ही कॉलेज लेवल इंक्वायरी कमेटी तैयार करना पड़ेगा, कॉलेज काउंसिल का मीटिंग जो है वो इमीडिएट इफेक्ट में करके जो रेसिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर जो घटना घटता है उसके लिए जो एक्शन वो एक्शन गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ही स्टेट इंक्वायरी कमेटी जो है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके का जो 7 डायरेक्टिव गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था वो 7 डायरेक्टिव अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, इसको मेंशन करते हुए जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से चीफ सेक्रेटरी को ये मेल किया गया है। इस मेल में जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जो 19 तारीख को वादा किया गया था वो वादा अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से पूरा नहीं किया गया है, और कितना समय लग सकता है ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और उसके साथ साथ ही चीफ सेक्रेटरी के साथ फिर से एक बार मुलाकात करके वो लोग मीटिंग करना चाहेंगे कि अगले दिन की किस तरीके से गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स का जूनियर डॉक्टर्स का जो डिमांड था उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेप लिया जा रहा है, और अगर स्टेप नहीं लिया जाएगा तो उसके बाद डॉक्टर्स क्या करेंगे, जूनियर डॉक्टर्स क्या करेंगे, उसको लेकर भी वो लोग मीटिंग में बताना चाहेंगे कि एक टाइम पीरियड देना पड़ेगा उनको, एकदम मेंशन करके देना पड़ेगा कि कितना समय लगेगा, कितना समय के अंदर ये हो सकता है ये गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा। ये डिमांड रखते हुए जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से आज चीफ सेक्रेटरी को मेल किया गया है, तो देखना पड़ेगा अभी चीफ सेक्रेटरी की तरफ से मेल का जवाब कब आता है, और मेल का जवाब में चीफ सेक्रेटरी की तरफ से क्या क्या मेंशन किया जाता है इसमें भी नजर रखना पड़ेगा। ऑलराइट, रहने को दारा।